नमस्कार दोस्तों, आज आपका आज हम जानेंगे कि दूधिया पत्ता जो होता है, दूधिया जो जड़ी बूटी है, वो किस काम आती है। दोस्तों, बांझपन, अगर नपुंसकता और शीघ्र पतन सहित हजारों बीमारियों को ख़त्म कर देता है ये पौधा। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इसके बारे में कि जो दूधिया वो होता है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके आसपास ही पाया जाता है। ये किसी भी स्थान पर उगाता है। इसे दूध दूधी या दूधिया घास के नाम से जब भी जाना जाता है। ये आप देख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है, कहीं कहीं पर इसे नागार्जुन भी कहा जाता है। ये पौधा दो प्रकार का होता है, जिसे छोटी दूधिया घास कहते हैं और इसी के पत्ते जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं। ये हल्के लाल रंग का होता है, इसके फूल भी लाल रंग के होते हैं। जिसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं और हरे रंग के होते हैं। पत्तों पर हल्की लाली पन पाई जाती है। छोटी दूधिया घास, बड़ी दूधिया घास लगभग समान ही होती है। ये पौधा इतना चमत्कारी है कि बांझपन, नपुंसकता और शीघ्र पतन सहित हजारों बीमारियों को ये ख़त्म करता है। इस पौधे के इतने गुण हैं कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए इस पौधे के गुणों के बारे में जानते हैं। अतिसार, पेचिस व पेट की समस्या के लिए ये संजीवनी के समान है। जिनको अतिसार की समस्या, वो 10 ग्राम दूध या घास को पीसकर सुबह शाम पानी के साथ पीने से अतिसार में लाभ मिलेगा और आंतें स्वस्थ होंगी। अतिसार में इसका प्रयोग अत्यंत कारगर है। यदि ये ताजी ना करे ना ताजी ना मिले तो सुखाकर पाउडर बना लेना। 1 चम्मच अतिसार से दूर हो जाएगा। यदि किसी को पेचिश आ रही है तो वह दूधिया घास के पाउडर को फिटकर ही मिलाकर पीने से लाभ मिलता है। जिन्हें नकसीर की शिकायत हो या नाक से खून बहता हो, उनके लिए पौधा बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए दूधिया घास के पाउडर में मिश्री मिलाकर सेवन करने से ये समस्या दूर हो जाएगी। जिस व्यक्ति को नपुंसकता और शीघ्र पतन शिकायत से है, उनको 100 ग्राम दूधिया घास के पाउडर के बराबर मात्रा मिश्री मिलाकर सुबह 1 शाम चम्मच से लेने से इसमें लाभ मिलता है। इससे कमजोरी और धातु जन्य रोग दूर होते हैं। शुगर के मरीज इसे मिश्री न डालकर भी खा सकते हैं। दूधिया घास के पाउडर को सुबह शाम सेवन पेट करने से कीड़े जो पेट के कीड़े होते हैं मर जाते हैं। जिनके बाल झड़ रहे हैं, उनको दूधिया घास के पत्तों का रस और कनेर के पत्तों का रस मिलाकर बालों की जड़ों में लगाना, जिससे बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। जिनको रात में कम दिखाई देता है, वो दूधिया घास दूध निकालकर 1-2 बूंद दिन में 1-2 बार आँख में डालने से लाभ मिलेगा। इससे आँख में हल्की सी जलन होगी, जिसे सहन करना पड़ सकता है। जिन महिलाओं को बच्चा नहीं हो रहा, वह बांझपन है और डॉक्टर की सभी रिपोर्ट सही है, तो वो दूधिया घास पाउडर सेवन करें सुबह शाम। इससे गर्भधारण की क्षमता बढ़ेगी। जिनको खांसी की शिकायत है, उनके लिए दूधिया घास रामबाण है। इसके लिए दूधिया घास के पाउडर में तुलसी, काली मिर्च और काढ़ा बनाकर पीने से बिल्कुल खांसी बंद हो जाएगी। जिनके चेहरे पर कील मुहासे, उनके दूधिया घास दूध लगाने से फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने जाना कि दूधिया घास हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये जो आपको घास दिख रहा है, दूधिया घास है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, क्योंकि इस पर जितनी भी जड़ी बूटियों के बारे में बताया जा रहा है, वो सारी ही 100% जो होती हैं बिल्कुल सही होती हैं। हमारे पूर्वज भी इसको यूज़ करते थे। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं कि इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।